एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अबे क्या हो? क्या हुआ? वो कोरा चिट्टा गुरिल्ला जो वहाँ खड़ा था ना, वो मेरा जीजा है। हाँ, अभी मैं ऑफिस जाऊंगा तो भी लोन हाथ से जाएगा, और नहीं गया तो भी लोन हाथ से गया। तो अब क्या करें? अरे सुन, अब से ऑफिस का जय तू और घर का मैं। अरे लोन चाहिए कि नहीं? अरे मुझे तो ऑफिस का आ भी नहीं आता। अरे कुछ नहीं यार, ओके थैंक यू, बाय बाय, गेट मी कॉफी, इतना तो आता है ना, बोलते रहे बस। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। अरे यार तू सुन, आई विल सी इट, ऐसे करके पेपर्स घर ले आना, मैं साइन करके तुझे वापस दे दूंगा, बस खत्म हो गई बात यार, कुछ करना नहीं है इसमें। और रितु का फोन आ गया तो? अरे रितु का फोन आया तो बोल देना मुझे, मोबाइल पर फोन कर दे, और क्या, चल कान निकल, मैं शर्ट निकालता हूँ, चल 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 जल्दी, बात मत कर, बात मत कर। ऐसा लगता है यही अपने साहब है ये। हाँ, अभी तो यही आने वाले थे, पता नहीं कैसे बॉस है। मिस्टर जय, वेलकम। क्या सोच रही थी? सोचती हूँ कि तुम चारों के अलावा भी एक और दोस्त था जो राहुल भैया के बहुत करीब था, वो कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा। हाँ। क्योंकि कोई था ही नहीं। हाँ। राहुल के तो आगे पीछे ऊपर नीचे हम ही लोग। नहीं, कोई और भी था, मैंने उसके बारे में सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं, पर मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। नाम क्या बताया? जय। राहुल भैया उसे उसी नाम से बुलाते थे, कैसा दिखता है पता नहीं, मगर इतनी नफरत क्यों? वो मेरी अपनी बात है। चलो मान लो कि मैं उसे जानता हूं और तुम्हें उसे मिलवा भी देता हूं, तो तुम करोगी क्या? एक जोर का थप्पड़ मारूंगी। तुम जानना चाहती हो जय कौन है? हाँ कौन है? तो हम ही में से एक, लेकिन इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। क्या पक्किया? हमारे लिए पक्किया, लेकिन कई लोग उसे जय कह के बुलाते हैं, उसका सरनेम जयवर्धने है ना, तो जयवर्धने, जय जय जयवर्धने, समझी? अरे प्लीज प्लीज, वैसे इतना बड़ा राज तो है नहीं, फिर भी उसे ये मत बताना कि हमने तुम्हें बताया। क्या है ना कि जय ये नाम उसे इतना अच्छा नहीं लगता, पता चल गया तो खामखा वो हमारी। लेकिन हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, और जरूरत के वक्त काम आने वाला दोस्त ही जिगरी दोस्त होता है ना? चलो हमेशा के लिए टपका, तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान। एक छप्पड़ मारूंगा, पक्किया को टपकाने का फुल क्रेडिट मेरी अकल को जाता है। तुम्हारा पूरा नाम पंकज जयवर्धने है ना? हा? लेकिन और दोस्तों के लिए पक्किया बराबर। हाँ, मगर मगर मेरे भैया तुम्हें जय बुलाते थे। जय? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ एक जोरदार लगाने के लिए आई थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे होने वाले पति हो। साला हमारा पत्ता काटने चला था, अब रितु उसका गला काटेगी। मैं बोला था सालो, मेरे बाल ही नहीं, मेरी अक्कल भी बड़ी है। साला है, बहुत कमी ना ही है। आज से आप लोग मेरे दोस्त नहीं बल्कि जिगरी दोस्त बन गए हैं, जिसे मिलने के लिए मैं कब से बेताब थी, उसे मिलाया आपने, यही तो मेरा मंगेतर है। मंगेतर? तूने तो कहा था झापड़ मारोगी, जान ले लोगी और पता नहीं क्या क्या करोगी, ये क्या कर रही हो? जय के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहिए, इतने दिन मुझसे छुपा रहा, सजा तो मिलनी चाहिए है ना? पर क्या करूं, जब भी इसे देखती हूँ
तो मेरा दिल पिघल जाता है। और तुम इन सब के साथ मिलके मेरी खिंचाई करते रहे। मारो, मारो, मेरी अकल फिसल रही। मेरी भी। क्या? अरे रितु तुम्हें निकलना चाहिए ना अभी, वो दादाजी को डॉक्टर के पास लेके जाने। ओह या या राइट, बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई विल कॉल यू टुमारो, बाय। देखने को बाकी था। निकम्मो, मेरे रास्ते में सांप बिच्छू छोड़ रहे थे, उल्टा वही सांप आके तुम्हें डसा ना। रितु के लिए उसके भाई ने किसको चुना? अपने जिगरी दोस्त को। उस जिगरी दोस्त का नाम क्या था? जय। मैं जय बना किसकी बदौलत? तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। अब कल जाके मैं दादा दादी से मिलूंगा, परसों सगाई और फिर शादी। तुम गरीबों के लिए मैं लंगर जरूर रखूंगा। वैसे किसके किसके दिमाग में से निकली थी ये गोटी, प्लीज मुझे नाम बताओ। असली जय ने अवतार लिया तो? अरे तब तक तो शादी हो जाएगी। मैं रितु के दिल में प्यार का ऐसा ताजमहल बनाऊंगा कि कोई भी भाई का बुलडोजर उसे उखाड़ नहीं पाएगा। बड़ी आस थी तुमसे मिलने की, आज कलेजे से लगाया तो ठंडक पड़ी। तुम्हारे माँ बाप बाकी परिवार कहाँ है? दोनों नहीं है, सिर्फ बहन है। कहाँ है? नहीं है, मतलब है लेकिन यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। जय के बारे में राहुल ने हमें सब कुछ बता दिया था। हाँ। फिर भी उंगली घुमाती रहोगी बेटा। हाँ जी। देखो तुम्हारे बारे में हमने इतना सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। हाँ। आज देख भी लिया। हाँ। वैसे तो हम लोग दिवाली में ही मिल लेते अगर तुम राहुल के साथ दिवाली में हमारे घर आ जाते। नहीं? हाँ। लेकिन तुमने अचानक प्लान बदल दिया इसलिए हम नहीं मिल पाए। और फिर राहुल के जाने के बाद तो सब कुछ बदल गया। छोड़ो भी, पिछली परछाई पीछे छोड़ो, अब आगे का सोचना है। मैंने सोच लिया है, हम वही करेंगे जो राहुल ने तय किया था। एक साल बाद रितु की पढ़ाई खत्म होते ही हम इन दोनों की शादी करा देंगे। और एक बात, अब तुम पराए नहीं हो, हमारे अपने हो। जो हमारा कारोबार अभी तक लावारिस था उसे अब तुम संभालोगे। मुझे कुछ मालूम? मैं भाई देखो ये मम करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑफिस बिखरा पड़ा है, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो और उतरती पतंग को चढ़ा दो। अरे लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं है बिजनेस के बारे में। वो उसकी चिंता मत करो, मैनेजर तुम्हें सब सिखा देगा। हाँ लेकिन क्या है, वो मेरा खुद का अपना बिजनेस भी है तो। तुम्हारा बिजनेस तो चौपट हो गया था, राहुल ने मुझे बताया था। हाँ लेकिन वो तब, अब क्या है कि मैं। अरे अब तब छोड़ो, तुम रोज ऑफिस जाओ, शादी होने तक 1,00,000 रुपए महीना तनख्वाह ले लो। 1,00,000? क्यों, कम है? देखो बेटा अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो और मैं इस परिवार का मुखिया हूं, इसलिए तुम इनकी दादागिरी से हो। हाँ मैं अभी ऑफिस फोन करता हूं। हाँ एमडी, कल सुबह अपनी रितु के मंगेतर ऑफिस पहुंचेंगे। हाँ अब वही सारा कारोबार संभालेंगे, उन्हें मालिक की जगह रखो और सब छोटे मोटे जाड़े पतले सब सवाल मेरे नहीं उसके जवान कंधों पे दागो। हाँ सर आप कभी मिले अपने नए एमडी साहब से? नहीं मिस्टर जय से अभी तक तो कोई मुलाकात हुई नहीं, सिर्फ नाम ही सुना। 10 बजे बोला था आते ही होंगे। राहुल साहब ने रितु की शादी इसी लड़के के साथ तय की थी, मिस्टर जय के साथ। ये लो आपके 100 रुपए हैं। रुक जा तू, मत उठा ले। एक गाड़ी निकल जा। हुआ इस तरफ कहाँ जा रहे हैं साले? चल हुआ? अबे चल ना। अबे क्या हो? क्या हुआ? वो कोरा चिट्टा गुरिल्ला जो वहाँ खड़ा था ना, वो मेरा जीजा है। हाँ अभी मैं ऑफिस जाऊंगा तो भी लोन हाथ से जाएगा और नहीं गया तो भी लोन हाथ से गया। तो अब क्या करें? अरे सुन, अब से ऑफिस का जय तू और घर का मैं। अरे लोन चाहिए कि नहीं? अरे मुझे तो ऑफिस का आ भी नहीं आता। अरे कुछ नहीं यार, ओके थैंक यू बाय बाय गेट मी कॉफी, इतना तो आता है ना, बोलते रहे बस। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। अरे यार तू सुन, आई विल सी इट ऐसे करके पेपर्स घर ले आना, मैं साइन करके तुझे वापस दे दूंगा, बस खत्म हो गई बात यार, कुछ करना नहीं है इसमें। और रितु का फोन आ गया तो? अरे रितु का फोन आया तो बोल देना मुझे, मोबाइल पर फोन कर दे और क्या। चल पैंट निकाल, मैं शर्ट निकालता हूँ। चल जल्दी बात मत कर।
ऐसा लगता है यही अपने साहब है ये। हाँ, अभी तो यही आने वाले थे। पता नहीं कैसा बॉस है। मिस्टर जय वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। सर दिस इज आवर कंसाइनमेंट इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट टू यूके एंड। हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी में बात करो ना। नहीं मतलब ये था कि ये जो यूके में हमारा कपड़ा जाता है उसके सिलसिले में ये है, तो इसको साइन करना है आपको। हाँ यहाँ यहाँ पे। ठीक है तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ, तुम जाओ। नहीं सर ये बहुत अर्जेंट है। तो तुम खुद ही कर लो। नहीं मैं साइन नहीं कर सकता सर। एक साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? नहीं नहीं मेरी अथॉरिटी नहीं, मतलब मेरा अधिकार नहीं साइन करने का सर। ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? तुम जाओ, तुम चक्कर मत पड़ो, तुम जाओ 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 जाओ। बुधवार गए? हाँ हाँ जी हाँ जाओ जाओ। जाओ ना यार तुम। नहीं नहीं कुछ नहीं सर। सर साइन हो गई। अरे नहीं यार, ये नमूना त्रिपाठी जी को किस मेले में मिला होगा, वो भी रितु के लिए, आधा तीतर आधा बटेर, टोटल बेजोड़। अरे सर आया जब से चपरासी को भेजकर कुछ न कुछ खाने को मंगवाते रहता है, अक्खा दिन चढ़ते रहते हैं। अच्छा लेकिन वो कहते ना अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो फिर क्या हाथी क्या मोर, सब बने गधे के कदरदान। कहाँ से खरीदा मलबा? वो नीचे है ना पांडे जी पान वाले। तो पान वाले को बोलो कि पान लगाना छोड़ के वो जूते चमकाना शुरू कर दे। कहते हैं कि पान और ईमान फेरते रहना चाहिए, फिर मटके में बांधे चूने की उंगली को पान पे यूं घुमाना चाहिए, यूं घुमाना चाहिए कि पान ना हो किसी गोरी का गाल हो है। फिर थोड़ी रातरानी चटनी, थोड़ा नवरत्न किमाम और कत्था है, कत्था असली अरारोट नहीं। ओए होए फिर जो पान लगे साला मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, और उसको नहीं मालूम है पान कैसे लगा जाता है तो उसको बोलो मैं उसको सिखाता हूँ कैसे पान लगा जाता है। ये उठपटांग बातें तुम्हें किसने बताई? राहुल भैया के करीबी दोस्तों ने। तुम्हारी बातों में सच्चाई है रितु, मैंने प्यार किया था और शादी भी करने वाली थी, लेकिन जय से, राहुल से नहीं। जय? राहुल भैया का जिगरी दोस्त जय? हाँ तुम झूठ बोल रही हो। रितु तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि जय की और मेरी शादी होने वाली थी, राहुल भैया ने तय की थी। मालूम है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जय मुझसे प्यार करता है। ओह तो जय तुमसे प्यार करता है? बेशक। तो प्यार करता है तो शादी क्यों नहीं की? जिंदा होता तो जरूर करता। जय जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। नहीं रितु, तुम्हारी बात करवाऊं उसे अभी के अभी? तुम्हारे सारे झूठ पकड़े जाएंगे। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है, तुम चलो मेरे साथ। सर रितु मैडम का फोन है। उनका फोन है तो उन्हें दे, क्या हो मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं आपसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं उनसे बोलो मोबाइल फोन करें। नहीं आपका मोबाइल लग नहीं रहा है इसलिए मेरे मोबाइल पे किया। तो उनसे बोलो मोबाइल जोर से पटके, या तो मोबाइल को लगेगा या मैडम खुद को लगेगा। आपकी क्या लड़ाई हुई है उनसे? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं, लड़ाई हुई उनसे? नहीं वो बात करना चाह रही है, बहुत अर्जेंट है। देखिए मैं बात नहीं कर सकता, देख नहीं रहे हो मैं कितना बिजी हूँ? हाँ हेलो। वो जूस पीने में बिजी है। सतगोले से कह रही है अर्जेंट है। अरे जाओ ना यार, फोन क्या मैं सांस भी नहीं ले सकता, जाओ जाओ। वो आपसे ऑफिस मिलने आ रही है। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे जाकर मेरी बात तो सुनिए, अगर वो आएंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगा? उससे कहना कुएं में कूद के मर जाए। गड़बड़ है। जय साहब कहाँ हैं? अभी अभी भाग गए। क्या? हाँ जैसे ही मैंने उनको बोला कि आप आने वाली हैं, वो ऐसे भागे जैसे भगवान से भूत। मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। भागे क्यों? I don't know। मैंने बोला था ना ये जय हो ही नहीं सकता, ये कोई फरेबी है।